Bismillah ar-Rahman ar Assalamu alaikum students In today's video we will discuss MCQs related with the chapter Inheritance So MCQ number 1 is Desh are small segments of DNA Genes, Nucleic Acids, Chromosomes, all of the above So genes which are small segments Genes consist of DNA Apart this, the of nucleic acids These are the building blocks of DNA as well as RNA They form the structure of the DNA लेकिन जो जीन्स है दीज आर दी यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी और ये हमारे पास क्या है दीज आर द दी स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए उसके बाद एमसीक्यू नंबर टू है इज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम ट्रेड तो रिमेंबर कि जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इट इज नाउन एज अलील अलील एक ऐसा फॉर्म है किसी भी जीन के डिफरेंट फॉर्म्स को हम बोलते हैं अलील विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम ट्रेड ठीक है उसके बाद नेक्स्ट टाइम से क्यों है नेचुरल सिलेक्शन पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है नॉट ओनली सिंगल फाइला बट द होल पॉपुलेशन उसके बाद नेक्स्ट टाइम से क्यों है प्लांट हैजाइप आर आर एस एस हाउ मेनी डिफरेंट गेमीड्स वुड बी प्रोड्यूस्ड अब तो ये हमारे पास है आर आर और एस एस ठीक है ये हमारे पास एक दिया हुआ है कि इसके हमारे पास कितने गेमिट्स बनेंगे तो देखिए इसमें से एक आर ये वाला बनेगा एक ये वाला बनेगा और एक कैपिटल एक स्मॉल तो four types के यहाँ पर गेमिट्स हमारे पास बनेंगे ठीक है उसके बाद नेक्स्ट टाइम से क्यों है स्पीसीट इन रिजल्ट में क्या होता है हाइब्रिड स्पीशीज इस फॉर्म शोज ट्रेड्स तो स्पीसी फॉर्मेशन ऑफ अ स्पीशी स्पीशी की फॉर्मेशन को बोलते हैं तो so, जो स्पीशी की फॉर्मेशन होती है इट इज अ हाइब्रिड स्पीशीज इट इज दम्बिनेशन ऑफ बोथ पेरेंट्स इसमें से जो पहले वाली स्पीशीज हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगे हाईब्रिड होगा उनका ठीक है

तो इसका जो फिजिकल अपेयरेंस होगा वो क्या होगा ब्लैक ठीक है ये ब्लैक को ही एक्सप्रेस करेगा तो जो जेनेटिक मेकअप होता है इट डिपेंड्स ऑन द फिनोटाइप डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक मेकअप जो जीन्स जिस तरीके से बने होंगे फिनोटिपिकली फिजिकली वो वैसे ही अपेयर होंगे उसके बाद नेक्स्ट टाइम से क्यों है हिस्टोन प्लस डीएनए हिस्टोन और डीएनए मिलकर क्या बनाते हैं दे फॉर्म क्रोमोसोम ठीक है विच कंडेज टू तो फॉर्म न्यूक्लियोसोम

काइजमा जो है काइजमा हमारे पास बनता है इन दी डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस इस तरीके से हमारे पास पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ठीक है तो इसमें से जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो इसका ये एक आम इसके ऊपर आ जाता है और इसका ये आम इसके ऊपर आ जाता है, आ जाता है। अब किस तरीके से कि फॉर एग्जाम्पल इसका ये एक

बींगस तो डोम की जब हम डेफिनेशन करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि विच एक्सप्रेस इट सेल्फ इन द स्टेट ऑफ हेटर स्टेटरोगस स्टेट में भी अपने आपको फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कलर के लिए इस तरीके से हेट्रोजाइगस है तो यहां पर जो डोमिनट जीन है वो ब्लैक है तो तब भी अब इससे क्या एक्सप्रेशन होगी ब्लैक ही आएगा विच शोज इट सेल्फ विच अपेयर उसके बाद नेक्स्ट टाइम से क्यों है द सेंट्रल डोगमा कंसिस्ट ऑफ तो सेंट्रल डोगमा का जो मेन मैकेनिज्म है वो इस तरीके से होता है कि डीएनए से हमारे पास बनता है आरएनए और फिर आरएनए से बनते हैं प्रोटीन्स ठीक है तो अब हम इसमें ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि इसमें ये कौन सा वाला है तो डीएनए प्लस आर एन एज इक्वल टू प्रोटीन्स तो डी एन ए से आर एन ए बनता है आर एन ए से फिर प्रोटीन्स डी एन ए से आर एन ए प्लस प्रोटीन्स ये भी करेक्ट है यहां पर लिखा हुआ है ओ एन ए Into RNA into protein. तो यहाँ पर अगर डीएनए होता तो फिर ये वाला ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है लेकिन यहाँ पर अब ऑप्शन बी करेक्ट है कि डी एन ए से आर एन ए भी बन रहा है और साथ में प्रोटीन भी बन रहे हैं फिर ये वाला ऑप्शन भी ठीक है लेकिन अगर यहाँ पर डी एन ए होता तो फिर ये वाला ऑप्शन ज्यादा करेक्ट था उसके बाद नेक्स्ट टाइम से क्यूँ है वट वुड बी द जीनो टाइप ऑफ पेरेंट्स ऑफ होमोसाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल है ठीक है तो उनके पेरेंट्स का क्या जीनोटाइप होगा तो अगर होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि ब्लैक कलर और वही ब्राउन कलर तो होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब है कि इसका ये वाला uh, जीनोटाइप है ठीक है होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल है तो उसके पेरेंट्स का क्या जीनोटाइप होगा तो पेरेंट्स जो है वो अः uh, हो सकता है कि दोनों होमोजाइगस रिसेसिव हो ये वाला केस भी हो सकता है वो हिट्रोजाइगस भी हो सकते हैं ठीक है पेरेंट्स उनके हिट्रोजाइगस भी हो सकते हैं अब इस स्टेट से तो ठीक है ये वाला सिंपली आ जाएगा लेकिन इससे किस तरीके से आएगा कि ऑफस्प्रिंग्स जो हमारे पास आएंगे उसमें से तीन जो है वो ब्लैक होंगे और एक जो है हमारे पास ये रिसेसिव इंडिविजुअल होगा तो इस केस में भी ये आ सकता है that homozygous recessive or heterozygous b. homozygous recessive or heterozygous so option d is the correct both b and c okay students this is the end of this video see you in the next video thanks for watching allah hafiz